अक्सर ना होता है ऐसा कि आप किसी शख्स को दिलो जान से चाहते होते हैं। आपकी हर दुआ में शामिल वो एक शख्स होता। उस एक शख्स को पाने के लिए आपने उस रब के आगे ढेर सारी दुआएं की थी। उसकी सलामती के लिए आप हर वक्त दुआगो रहते। जितनी मोहब्बत आप उस शख्स से करते वो भी उतनी ही मोहब्बत आपसे करता होता। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपकी उस प्यार की कहानी में तीसरा शख्स आ जाता। वो तीसरा शख्स के जिसके आने से आपकी अपनी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। जिसको खुदा के आगे गिरगिरा कर मांगा होता आपने, वो शख्स आपको छोड़ किसी और को अपना लेता। कोई और उसकी मोहब्बत का मरकज़ बन जाता है। जिस शख्स के साथ आपने अपने सपने अपने ख्वाब सजाए हों वो एकदम में टूट जाते हैं। वक़्त का पहिया भी कितना जालिम है ना। वो जिसने मुझसे मोहब्बत के दावे किए, हर वक़्त साथ देने का वादा किया, मुझे ना छोड़ कर जाने की बातें कही, उन सब से मुकर गया वो। सच बताऊँ ना तो ये तीसरा शख्स आना एक खुदा की नेमत भी साबित हुई मेरे लिए। इसने दिखा दिया मुझे कि वो शख्स किस कदर मुखलिस था मेरे साथ। सच कहते हैं कि खुदा जो भी करता अच्छे के लिए करता। वो जिसे मैंने अपने दिल की गहराइयों से चाहा, उसका एकदम बदल जाने का दुख तो बहुत है मुझे। इतना दुख कि शायद कुछ समझ भी ना सके। लेकिन फिर भी इस हाल में मैं उस खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ। और ऐसा पता है क्यों? इसलिए कि उस खुदा ने मुझे उस शख्स की असलियत दिखा दी। उसे मुझसे दूर कर दिया जो मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं था।